आपकी होस्ट और दोस्त प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका खास मन पसंदीदा प्रोग्राम सुपरस्टार स्पेशल। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम अपने इस प्रोग्राम में यानी सुपरस्टार स्पेशल में आप सभी को भोजपुरी इंडस्ट्री के उन बड़े सितारों के बारे में जानकारी देते हैं जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री की आन बान और शान है। जी हाँ, और अपने इस प्रोग्राम के जरिए हम आप सभी को हमेशा कुछ ना कुछ नया जानकारी बताने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के जुबले स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे की। हाल ही में ये दोनों अभी शूटिंग कर रहे हैं अपनी वेब सीरीज की हैदराबाद में, जिसकी जानकारी निरहुआ ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को दी थी। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि आम्रपाली और जुबले स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ इससे पहले भी हैदराबाद में शूटिंग कर चुके हैं? जी हाँ, तो उनकी पुरानी यादों को एक बार फिर से ताज़ा करते हुए, उनकी पुरानी यादों को एक बार फिर से याद दिलाते हुए आप सभी के लिए लेकर आई हूँ अपनी एक खास प्रोग्राम में खास जानकारी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भोजपुरी की जुबली जोड़ी निरहुआ आम्रपाली इन दिनों अपनी कई सारी फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग। जी हाँ, दरअसल निरहुआ जहाँ एक तरफ अपनी फिल्म हैदराबाद में शूट कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम्रपाली मुंबई में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निरहुआ आम्रपाली के पास इन दिनों बेशक से फ्री समय ना हो, लेकिन फिर भी निरहुआ ने अपनी अगली फिल्म के लिए उन्हें साइन कर लिया है। जी हाँ, दरअसल निरहुआ की फिल्म जयवेरी की शूटिंग इन दिनों हैदराबाद में चल रही है। हैदराबाद निरहुआ अकेले ही पहुंचे, लेकिन आम्रपाली के साथ वो पहले ही अपने इस फिल्म के कुछ सीन शूट कर चुके हैं ताकि आम्रपाली को समय की कमी ना पड़ सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिनों पहले इंटरनेट पर आपको निरहुआ आम्रपाली का एक इंटीमेट शूटिंग वीडियो जरूर दिखाई दिया होगा, जिसकी शूटिंग बाथरूम और शावर के साथ हुई थी। अब निरहुआ अपने किरदार की शूटिंग में व्यस्त हो चुके हैं। उम्मीद है फिल्म जल्द ही बनकर तैयार होगी और आप लोगों के बीच भी होगी। तो देखा आपने दोस्तों कि किस तरह से हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के जुबले स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे की वो पुरानी यादें एक बार फिर से हमने ताज़ा की, जो कि आज से कुछ सालों पहले हुई थी। और एक बार फिर से आम्रपाली दुबे और जुबले स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ हैदराबाद में अपनी नई वेब सीरीज की शूटिंग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के एक्शन हीरो तो कह सकते हैं, सबसे स्मार्ट हीरो कह सकते हैं। जी हाँ, विक्रांत। विक्रांत इस फिल्म में एक उनकी आने वाली फिल्म है जिसमें वो सिपाही के रोल में है, जो रियल कहानी पर आधारित है। आप सभी को विक्रांत ने कई बार एक्शन करते देखा होगा, उनकी बॉडी पर कई बार लोगों के अच्छे कमेंट्स आते होंगे, हमेशा देखा है। लेकिन इस बार विक्रांत एक सिपाही के रोल में नज़र आने वाले हैं। जिस कहानी पर उस फिल्म को बनाया जा रहा है वो एक रियल बेस कहानी है, रियल बेस पर आधारित है वो स्टोरी। अब ये हम आपको बताते हैं कि आखिरकार विक्रांत की कौन सी फिल्म में उन्होंने कौन सा उनका नया लुक आने वाला है और वो कहानी आखिरकार कौन सी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भोजपुरी फिल्मों में तकनीशियन के तौर पर अपनी पहचान बनाकर हिंदी रियलिटी शो में अपनी लव केमिस्ट्री से दर्शकों के नजरों में छाने वाली जोड़ी मोनालिसा विक्रांत से जुड़ी तस्वीरें इन दिनों इंटरनेट पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही हैं। आए दिन मोनालिसा से जुड़ी तस्वीरें देखने को मिलती होंगी, जिसमें दोनों के अलग अलग रूप और अंदाज भी सामने आ रहे हैं। और इन अलग अलग रूपों को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों आजकल काफी सारी फिल्में करने में व्यस्त हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मोनालिसा ने हाल ही में एक दुल्हन के रूप में सजी अपनी तस्वीर साझा की थी, जो उनकी किसी अपकमिंग फिल्म का लुक है। साथ ही जानकारी के लिए बता दें विक्रांत ने भी हाल ही में एक तस्वीर शेयर की है। ये तस्वीर विक्रांत की अपकमिंग फिल्म बॉर्डर की है, जिसमें विक्रांत सिपाही का किरदार निभाते नजर आ रहे हैं। साथ ही बता दें कि मोनालिसा और विक्रांत अलग अलग फिल्मों में बेशक काम कर रहे हों, लेकिन विक्रांत ने बॉर्डर फिल्म से अपना किरदार जो निभाया है उसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, और तभी से ही उनके एक्टिंग की काफी सराहना इंडस्ट्री में की जा रही है। तो देखना दिलचस्प होने वाला है कि अपने अलग रोल से विक्रांत दर्शकों का दिल जीत पाते हैं या नहीं। तो देखा आपने दोस्तों कि आखिरकार विक्रांत सिंह राजपूत अपनी नई नई फिल्मों से नए नए लुक में नजर आ रहे हैं और उनकी नई तरह की एक्सपेरिमेंट दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद भी आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के देसी हीरो खेसारी लाल यादव के साथ उनकी एक फिल्म में ही अपना नाम बना चुकी बात कर रहे हैं मनी भट्टाचार्य की।
जो कि इस बार तो देखा जाए तो भोजपुरी के तीनों बड़े सुपरस्टारों के साथ फिल्मों में नजर आ चुकी हैं और एक बार फिर से खेसारी लाल यादव और मनी भट्टाचार्य की जोड़ी ने धमाल मचा रखा है यूट्यूब पर। जी हाँ दोस्तों, हम आपको दिखाने वाले हैं आखिरकार खेसारी लाल यादव और मनी भट्टाचार्य का वो कौन सा गाना है जो यूट्यूब पर इतने दिनों के बाद भी काफी ज्यादा धमाल मचा रहा है, काफी ज्यादा व्यूज के मामले में अभी भी आगे बढ़ता जा रहा है। तो चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं अपनी एक खास रिपोर्ट कि आखिरकार कौन सा गाना है, कौन से गाने के जरिए खेसारी लाल यादव और मनी भट्टाचार्य की जोड़ी दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रही है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर सिंगर और एक्टर खेसारी लाल के वीडियो लोगों को खूब पसंद आते हैं। खेसारी लाल हमेशा भोजपुरी गानों के जरिए अपने फैंस का दिल जीतते हैं। इसी क्रम में आज हम आपको खेसारी लाल का एक और वीडियो के बारे में और उसकी लोकप्रियता के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 2018 का सबसे बड़ा हिट गाना है। YouTube पर खेसारी लाल के एक गाने कैंची से काटलहा को 51 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। एक महीने पहले इस गाने को अपलोड किया गया था। इस वीडियो पर आज भी लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब तक इस वीडियो को 6000 लोगों से ज्यादा लोगों ने लाइक भी किया है और 634 लोगों द्वारा इस पर कमेंट्स भी किए गए हैं। बता दें कि ये गाना खेसारी लाल यादव की फिल्म जिला चंपारण का है। इस गाने को खेसारी लाल यादव ने खुद गाया है। खेसारी लाल की अपकमिंग फिल्म है दबंग सरकार, जिसमें उनके अलग अवतार से सब हैरान है। 65 कास्ट वाली इस फिल्म के बारे में तारीफ करते हुए खुद इस फिल्म के प्रोड्यूसर योगेश मिश्रा ने बताया है कि ये फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी बजट फिल्म है, इसलिए सुपरहिट साबित होकर रहेगी, ये बात तय है। तो देखा आपने दोस्तों कि किस तरह से हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के जो खास हीरो हैं खेसारी लाल यादव, उनके साथ मनी की जोड़ी और उनका गाना दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, दर्शकों के दिलों पर अभी भी राज कर रहा है और दर्शकों की तरफ से अभी भी डिमांड आते हैं कि एक बार फिर से मनी और खेसारी की जोड़ी दर्शकों के बीच आनी चाहिए। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के यंग हीरो प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू से की है। जी हाँ, प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म दुल्हन चाहे पाकिस्तान 2 हिट हो रहे, दुल्हन चाहे पाकिस्तान तो हिट हो ही रही थी और उसके बाद दुल्हन चाहे पाकिस्तान 2 का पहला लुक सामने आया है। जी हाँ, जिसमें हीरोइन गुंजन कपूर है और इनकी जोड़ी दर्शकों को काफी ज्यादा भा रही है। आपको दिखाते हैं आखिरकार उस नए पहले लुक में, उस नए अवतार में प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू का ओवरऑल जो उनका नया अंदाज है वो दर्शकों को कितना ज्यादा पसंद आ रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भोजपुरी के युवा स्टार प्रदीप पांडे चिंटू की सबसे ज्यादा चर्चित फिल्म दुल्हन चाहे पाकिस्तान से 2 का पहला लुक बीते दिन पहले सामने आया है, जिसमें बॉलीवुड के खलनायक राहुल देव नजर आए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदीप पांडे चिंटू के साथ इस फिल्म के पहले लुक में एक नई अभिनेत्री दिखाई दे रही हैं। अभी तक चिंटू ने ना जाने कितनी सारी फिल्मों में नई नई हीरोइनों के साथ काम किया है, लेकिन पहली बार अलग हीरोइन के साथ चिंटू नजर आने वाले हैं। इनका नाम है गुंजन कपूर। इसके अलावा भी इंडस्ट्री में कई सारी अभिनेत्रियों की एंट्री हाल फिलहाल में हुई है, लेकिन चिंटू ने पहले लुक से कुछ बातें अपनी फिल्म से जुड़ी सस्पेंस खोल दिए हैं। तो देखना दिलचस्प होने वाला है कि जब फिल्म रिलीज होगी तो लोगों को कितनी पसंद आएगी। तो देखा आपने दोस्तों कि किस तरह से प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू अपनी पहली फिल्म दुल्हन चाहे पाकिस्तान में डबल धमाल मचाने के बाद, उनका धमाल मचाने के बाद अब दुल्हन चाहे पाकिस्तान 2 में डबल धमाल मचाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और इसका अंदाज़ा हम आपने पहले लुक को देखकर लगा लिया होगा, उसके बारे में जानकारी लेकर लगा लिया होगा। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के खास फिल्मों के साथ जुड़ा हुआ है। जी हाँ, कहा जा रहा है इंडस्ट्री की 2 ऐसी फिल्में जिन्हें आप नहीं दोबारा देख पाएंगे। बिल्कुल ये सही है, भोजपुरी इंडस्ट्री की 2 बड़ी फिल्में हैं जो अब आप शायद दोबारा ना देखें, क्योंकि वो फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज तो हो चुकी है, लेकिन वो कहा ऐसा जा रहा है, खबरें ऐसी आई हैं कि वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज नहीं होगी, बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के बाद यूट्यूब चैनल पर रिलीज नहीं होगी। आखिरकार ये 2 बड़ी फिल्मों में क्या ऐसा खास है, क्या उन दर्शकों जो उस फिल्म के मेकर हैं उनका क्या विचार विमर्श है जिसके बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि ये फिल्में यूट्यूब चैनल पर नहीं रिलीज की जाएंगी, इसकी वजह हम आपको बताते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। हर सोशल प्लेटफॉर्म खासकर यूट्यूब
रीजनल सिनेमा और रीजनल सिने प्रेमियों के लिए जहां एक तरफ वरदान साबित हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ रीजनल सिनेमा को देखने वाले दर्शकों का भी दायरा बढ़ा है। और जैसा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह से YouTube पर फिल्में रिलीज होने के भी एक फ़ायदे हैं तो एक नुकसान है। जहाँ फ़ायदा ये हुआ कि YouTube पर भी लोग इन फिल्मों को जानने लगे, पहचानने लगे और सराहना होने लगी, तो वहीं दूसरा पहलू ये निकल कर आया कि YouTube पर फिल्में रिलीज होने से सिनेमाघरों में लोग फिल्में देखना अब कम कर चुके हैं। लेकिन यहाँ हाल ही में कई सारी फिल्में ऐसी हैं जो YouTube पर रिलीज नहीं की गई हैं, शायद उनका नाम भी आपको याद हो। खेसारी लाल की फिल्म हम हैं हिंदुस्तानी, जिसका नाम बदलकर हम हैं हिंदुस्तानी रखा गया था, जो सबसे ज़्यादा विवादों में रही थी, ये फिल्म अभी तक YouTube पर रिलीज़ नहीं हुई है। तो वहीं दूसरी फिल्म प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म मेहंदी लगा के रखना 2 भी YouTube पर अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है और शायद आगे चलकर भी रिलीज़ ना हो। तो हो सकता है ये दो इंडस्ट्री की फिल्में आपको कभी YouTube पर देखने को ही ना मिलें। तो देखा आपने दोस्तों कि किस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री में इन दिनों फिल्मों से लेकर फिल्म के गाने, फिल्म की स्टोरी, फिल्म के हीरो, फिल्म के एक्टर एक्ट्रेस, हर कोई काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है, किसी ना किसी नए अंदाज की वजह से, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश की वजह से। और इसीलिए इन दिनों सुपरस्टार स्पेशल में हमने ये सारी खबरें आपको बताई है, ताकि आपको भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे बड़े सुपरस्टार से जुड़ी सारी एक्टिविटीज़ आप सभी को पता हो। फिलहाल दोस्तों आज के सुपरस्टार स्पेशल में इतना ही, कल आपके सामने फिर से लेकर हाजिर होंगे आपका खास मन पसंदीदा प्रोग्राम सुपरस्टार स्पेशल में, जहां हम आप सभी को अलग अलग खबरों के बारे में जानकारी देंगे और वो जानकारी आपके फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़ी होगी। फिलहाल आज के खास इस प्रोग्राम में इतना ही, कल एक बार फिर से लेंगे हाजिर। तब तक हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि लेटेस्ट अपडेट जो है वो आप सभी तक फटाफट पहुंच सके और कोई भी खबर, कोई भी जानकारी आप सभी से मिस ना हो। इसके अलावा आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। खैर दोस्तों, अब इस खास प्रोग्राम पे यहीं लगाते हैं विराम, कल मैं आपके सामने फिर से हाजिर होंगी, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।